हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी यहाँ पर ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी, इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 12 को आज देखेंगे। लेक्चर नंबर 11 में हम लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किए थे, लेकिन ये क्लासेस हैं ये आपको हमारी ऐप के ऊपर मिलती है, लेकिन आज जो क्लास है ये आपको यूट्यूब पर प्री रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में मिले, क्योंकि आज हमको कहीं काम से थोड़ा जाना है। लेकिन हम लोग नहीं चाहते थे कि आपकी क्लासेस हैं वो बिल्कुल भी ऑफ हो, इस वजह से प्री रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। एक्चुअली अभी हमें थोड़ी देर पहले ही पता चला कि हमको कहीं जाना है, इस वजह से अभी हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं परिवहन। तो देखिये, परिवहन टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि जो जो रोड है, सड़क है, इससे रिलेटेड। तो देखिए, रोड सड़क में हम आपको बताए थे किस तरह से जो परिवहन है वो एक आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता है, और एक किस प्रकार से ये आधारभूत संरचना का घटक है, और यहाँ पर परिवहन के कौन कौन से साधन होते हैं, जैसे कि सड़क हो गया, रेल हो गया, इनलैंड वाटर वे जिसे अंतरस्थलीय जलमार्ग बोलते हैं, और बंदरगाह और वायु मार्ग। इसके अलावा आपको पाइपलाइन भी देखने को मिलेगा। अगर हम सड़क और रेल परिवहन पर दबाव को कम करना चाहते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पाइपलाइन है इसको हमें बिछाना होगा, तो हम कहीं ना कहीं रेल और सड़क पर अतिरिक्त जो दबाव पड़ता है हम उसको कम कर सकते हैं। तो आपको सभी डायमेंशन के बारे में हम पढ़ाए थे, और इसको हम लोग इसी तरह से आगे बढ़े थे, और आपको बताए थे कि परिवहन में कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है, नीतियों के बारे में बताए थे, और भारत में किस किस प्रकार की बाधाएं हैं, प्राकृतिक बाधाएं भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से फ्लो चार्ट हम बनाए थे, और आपको पूरे सिलेबस से लिंक करके बताए थे किस तरह से ये सारी चीजें चलेंगी। तो प्रीवियस लेक्चर जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें सब कुछ पता होगा कि हम पूरे सिलेबस को इंटीग्रेटेड करके इस तरह से स्टडी किए थे। तो हम जब भी आपको पढ़ाते हैं तो सिनॉप्सिस के थ्रू और इंटीग्रेटेड स्टडी के थ्रू आपको पढ़ाते हैं, जिससे आप लोग कम पढ़ के भी ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं। ओके, जो लोग हमारी क्लासेस को अटेंड करते हैं रेगुलरली वो लोग जानते होंगे। ओके, इसके अलावा हम इसको करंट अफेयर से भी आपको जोड़ करके बताए थे कि करंट अफेयर में आपको कौन कौन से टॉपिक देखने हैं। इसके अलावा सड़क और रेल हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं या फिर प्रतिद्वंदी हैं, तो हम आपको बहुत सारी यहाँ पर तुलना करके बताए थे कि रेलवे और जो सड़क है वो एक दूसरे के पूरक है, ना कि प्रतिद्वंदी, और हम कब सड़क का उपयोग करते हैं, कब रेलवे का उपयोग करते हैं, और किस तरह से हम रेलवे पर अतिरिक्त दबाव है उसको कम किया जा सकता है, और कैसे हम इनका अनुकूलतम उपयोग कर सकते हैं। इन सभी को हम बहुत अच्छे से आपको उदाहरण के माध्यम से समझाए थे, और हम लोग देखे थे कि जो सड़क परिवहन होता है इनमें किन किन स्तरों पर समस्याएं हैं, तो हम आपको संरचनात्मक स्तर पर और संस्थागत स्तर पर आपको समस्याओं के बारे में बताए थे। इन समस्याओं को अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग आराम से इसका निदान भी कर देंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि सभी स्तरों पर जो सड़कें हैं उनमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी, इनका कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है इसके बारे में हम आपको बताए थे। तो चलिए आज आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 12। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे रेलवे से, और फिर रेलवे के बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर वायु मार्ग, और साथ में इनलैंड वाटरवे यानी कि अंतरस्थलीय जलमार्ग के बारे में, फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे पाइपलाइन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, आज का लेक्चर है, सभी लोग देख सकते हैं, तो आप लोगों का एक लाइक बनता है, लाइक करिए, और आप लोगों को बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले रेल परिवहन के बारे में। किसके बारे में? रेल परिवहन के बारे में देखते हैं। तो रेल परिवहन में क्या क्या समस्याएं हैं? तो रेल परिवहन में वैसे ही जैसे हम आपको सड़क परिवहन में बताए थे कि समस्याएं देखने को मिलेगी संस्थागत स्तर पर भी और संरचनात्मक स्तर पर भी समस्याएं देखने को मिलेंगी, तो रेल परिवहन में भी सेम आपको देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे संरचनात्मक स्तर पर, संरचनात्मक स्तर पर कौन कौन सी समस्याएं हैं, फिर हम लोग देखेंगे संस्थागत स्तर पर, संस्थागत स्तर पर कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें संरचनात्मक स्तर पर, अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जो प्लेटफॉर्म है, ओके, जो प्लेटफॉर्म है उन पर आपको आधारभूत संरचना है उसकी आपको सुविधाएं कम देखने को मिलेगी। मतलब इसका जो आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो आपको, फैसिलिटी आपको अभी भी कम देखने को मिलेंगी। जैसे अगर आप भी आज भी आप प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी सुविधाएं, जैसे रेस्ट रूम है वो उस गुणवत्ता के नहीं होते हैं, फूड होता है यानी कि खाना होता है उस गुणवत्ता का नहीं मिल पाता है। साथ में आपको देखने को मिलेगा स्वच्छता है, अब उस पर थोड़ा सा फोकस किया जाने लगा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन आज भी आपको जैसे कि विकलांग लोग हैं उनके लिए वहां पर सुविधाएं उस प्रकार से नहीं दी गई है जिस प्रकार से होनी चाहिए, यात्रियों को जिस प्रकार से सुविधाएं देनी चाहिए वो उस प्रकार की अभी भी नहीं मिल पाती है। इसके अलावा आप देखेंगे स्वच्छता भी कहीं ना कहीं कारण देखने को मिलेगा, लेकिन अभी कुछ हाल के वर्षों में अगर हम बात करें तो इस पर काफी ज्यादा वर्क हुआ है, स्वच्छता पर काफी ज्यादा वर्क हुआ है, लेकिन आधारभूत संरचना अभी उसे और भी ज्यादा डेवलप करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे
जो रेल के डिब्बे हैं उनकी जो गुणवत्ता है उन पर हमेशा प्रश्न चिन्ह उठता रहता है, और ना केवल जो रेल के डिब्बे होते हैं इनकी गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह उठता है, गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह उठता है, बल्कि आप देखेंगे इनकी संख्या भी कम देखने को मिलेगी, कम संख्या भी एक समस्या का कारण आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर गुणवत्ता की अगर बात करें तो आज भी आप देखेंगे सीटें हैं वो उस प्रकार की नहीं होती हैं, वॉशरूम आपको उस प्रकार के नहीं देखने को मिलेंगे, इसके अलावा वहां पर जो फैसिलिटी होती है वो उस गुणवत्ता की नहीं होती है। ओके, इसके अलावा आप लोग देखेंगे ट्रेनों की संख्या की अगर बात करें, ओके, जो ट्रेन्स होती हैं तो उनकी जो संख्या है उनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन संख्या जिस आधार पर बढ़ाई जा रही है उस आधार पर जो पटरियां हैं उनका दोहरीकरण नहीं किया जा रहा है, जिस कारण रेल पटरियां हैं उन पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है, और साथ में आप देखेंगे तकनीकी स्तर पर भी ज्यादा डेवलप ना किए जाने के कारण जो रेल यात्रा होती है उसमें समय बढ़ जाता है, क्योंकि दुर्घटना से बचने के लिए हम स्पीड को कम रखते हैं जिससे लागत भी कहीं ना कहीं बढ़ती है और समय है वो भी ज्यादा ज्यादा मात्रा में लगता है। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ट्रेनों की संख्या है जिस मात्रा में बढ़ाई गई उस मात्रा में रेल पटरियों का दोहरीकरण इलेक्ट्रिफिकेशन उस मात्रा में नहीं हो पाया है, ये आपको संस्थागत स्तर पर सबसे बड़ी खामी के रूप में देखने को मिलेगा, जिस कारण ट्रैफिक जैम, आप लोगों ने देखा ट्रेनें अगर हमारे यहाँ 3 घंटे लेट हो जाती है तो हम कहते हैं अरे टाइम पर आ गई, आज तो वैसे तो 8-10 घंटे लेट होती है, अगर ट्रेन है वो 20-25 मिनट आधे घंटे 1 घंटे अगर लेट होती है ना तो हम कहते हैं अरे वाह आज तो ट्रेन टाइम पर आ गई, और अगर ऑन टाइम पे पहुंचा देती है ट्रेन ना, अगर 8 बजे का टाइम है 8 बजे अगर पहुंचा दिया ट्रेन ने तो हम कहते हैं अरे आज ट्रेन जल्दी आ गई, जल्दी नहीं आई भाई वो टाइम पर आई है। ओके, लेकिन हम लोगों के लिए वो क्या होता है, हम लोग उसी हिसाब से चलते हैं, हम भी बड़े ठीक इंसान है। आपको पता है जापान में अगर 15 मिनट ट्रेन लेट हो जाती है तो उसका कंपनसेशन प्रत्येक यात्री को दिया जाता है, और यहाँ पर अगर कंपनसेशन दिया जाने लगा तो हर यात्री क्या हो जाएगा, उसे ना ही कोई नौकरी करने की आवश्यकता होगी ना ही कुछ और करने की आवश्यकता होगी, उसके एक सरकारी वेतन जितना होता है वो उतना मिलता रहेगा, वो क्या करेगा सुबह शाम 2 चक्कर लगा के आएगा ट्रेन के, और ट्रेन तो लेट होगी होगी तो उसके खाते में पैसे आएंगे कंपनसेशन के रूप में, तो वो कहेगा मैं क्यों नौकरी करूं, सरकार तो कंपनसेशन से ही मेरा काम चलाती रहेगी, तो इसीलिए सरकार कंपनसेशन नहीं देती वरना कोई भी नौकरी नौकरी नहीं करेगा, सब व्यापार व्यापार छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि हमारी ट्रेनें हैं वो लेट होंगी ही होंगी, सरकार भी जानती है और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ट्रेनों की संख्या की बढ़ने से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या आपको देखने को मिलेगी। ओके, और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि अतिरिक्त दबाव भी बढ़ता जा रहा है। देखिए अतिरिक्त दबाव बढ़ने के कारण आपको देखने को मिलेगा, जो दबाव बढ़ने के कारण जो सवारी ट्रेन है और मालवाहक ट्रेन है इन दोनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, और साथ में सवारी ट्रेन और मालवाहक ट्रेनें एक ही ट्रैक पर दौड़ती हैं, किस पर दौड़ती हैं, एक ही ट्रैक पर दौड़ती हैं, चाहे वो लोकल ट्रेन हो, एक्सप्रेस ट्रेन हो, सुपरफास्ट ट्रेन हो, राजधानी ट्रेन हो, मालवाहक कोई भी रेलगाड़ी हो, सभी एक पर ही दौड़ती हैं, जिस कारण यहाँ पर समय है वो ज्यादा लग जाता है और हमें स्पीड है वो भी कम रखनी पड़ती है, और साथ में आपको देखने को मिलेगा पुराने सिस्टम पर आज भी हमारी ट्रेनें हैं वो दौड़ती हैं, उनका कंप्यूटराइजेशन उस स्तर तक अभी भी नहीं हो पाया है, जिससे बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। आज भी हमारी ट्रेन है वो दिखाती है स्टेशन पे पहुंच गई, लेकिन आती है 25 मिनट के बाद में, आती है 25 मिनट के बाद में, और सोचो अगर ऐसा ट्रेन पर हुआ तो क्या होगा, ट्रेन है वो कहीं ना कहीं टकरा जाएगी, ठुक जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं संस्थागत स्तर पर जो समस्याएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, संस्थागत स्तर पर कुछ समस्याएं उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा सबसे अधिक संख्या में कर्मचारी कार्य करते हैं रेलवे में, आपको देखने को मिलेगा ये संस्थागत स्तर पर एक समस्या के रूप में भी देखने को मिलेगा, इसमें मानव श्रम ज्यादा होने के कारण रेलवे के ऊपर अत्यधिक भार बढ़ जाता है। ओके, अत्यधिक भार बढ़ जाता है क्योंकि
जो लोग होते हैं उनको पूरे परिवार को रेलवे एक बहुत बड़ी सुविधा देती है, रहन सहन से लेकर के उनके परिवहन और सब चीजों के बारे में। तो अतिरिक्त भार बढ़ता चला जा रहा है रेलवे के ऊपर। साथ में आप देखेंगे कि जो मंत्रालय, इसका जो विभाजन है, मंत्रालय मंत्रालय के अंदर विभाग और विभाग के अंदर आपको देखने को मिलेगा उप विभाग। ओके, और देखिए जो विभाग है उसमें भी आपको बहुत प्रकार के विभाग देखने को मिलेंगे, जैसे प्रशासनिक विभाग वो अलग है, तकनीकी विभाग अलग है, और आपको देखने को मिलेगा जो जो लोअर लेवल है, लेबर होती हैं उनके, लोअर लेवल के कर्मचारी होते हैं उनका विभाग आपको अलग देखने को मिलेगा, जिसके कारण इनमें समन्वय की एक कमी देखी जाती है। समन्वय की कमी के कारण यहाँ पर बहुत सारी देरियां होती हैं, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चलिए आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आप लोगों को लिखना है थोड़ा सा यहाँ पर, हम जैसे कि आप लोगों ने कमिटमेंट किया था कि सर लिखवाया भी करिए, तो देखिए अब आपको 8-10 दिनों से हम लिखवाने भी लगे हैं। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी। आज थोड़ा सा तेजी से बोलेंगे, वैसे डेली आराम से बोलते हैं लेकिन आज थोड़ा सा स्पीड के साथ बोलेंगे क्योंकि लेक्चर है, वो जल्दी से हमको रिकॉर्ड करना है। ओके, तो भारत जैसे देश में जहां, जल्दी से लिखिए, भारत जैसे देश में जहां, भारत जैसे देश में जहां, भारत जैसे देश में जहां सदाबहानी नदियों का प्रवाह होता है, सदाबहानी, अरे रुक जाइए रुक जाइए, ये पेज है ये कहीं और खुल गया है पेज। ओके, ये पेज है, दूसरा पेज है, ये नदियों के बारे में पहुंच गए, इनलैंड वाटरवे में पहुंच गए हैं, हमको अभी रेलवे के बारे में लिखना है, एक सेकेंड रुकिएगा। ओके ये है, ओके आपको लिखना है भारत में रेल परिवहन की सुविधा, भारत में रेल परिवहन की सुविधा समाज की मौलिक आवश्यकताओं के घटक के रूप में, भारत में रेल परिवहन की सुविधा, भारत में रेल परिवहन की सुविधा समाज की मौलिक आवश्यकताओं के घटक के रूप में उपलब्ध करने के उद्देश्य से, घटक के रूप में उपलब्ध करने के उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर रेल मंत्रालय का गठन कर रेल परिवहन की प्रणाली को विकसित करने का निर्णय लिया, रेल परिवहन की प्रणाली को विकसित करने का निर्णय लिया, विकसित करने का निर्णय लिया, रेल परिवहन के द्वारा ना केवल अधिक संख्या में लोग, रेल परिवहन के द्वारा ना केवल अधिक संख्या में लोग लंबी दूरी कम लागत में, अधिक संख्या में लोग लंबी दूरी कम लागत में तय कर सकते हैं, लंबी दूरी कम लागत में तय कर सकते हैं, बल्कि रेल मार्गों के द्वारा मुख्य औद्योगिक केंद्रों को, बल्कि रेल मार्गों के द्वारा मुख्य औद्योगिक केंद्रों को व्यापार के केंद्रों से जोड़कर, मुख्य औद्योगिक केंद्रों को, मुख्य औद्योगिक केंद्रों को व्यापार के केंद्रों से जोड़कर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देते हुए, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देते हुए परिवहन लागत को भी कम किया जा सकता है, परिवहन लागत को भी कम किया जा सकता है। थोड़ा सा आज तेजी तेजी से लिख लीजिएगा, वैसे आप लोगों को डेली आराम से लिखाते हैं, आज हमको थोड़ा सा जाना है। ओके, कम किया जा सकता है, इसलिए भारत में पारंपरिक परिवहन साधनों में, इसलिए भारत में पारंपरिक परिवहन साधनों में रेल प्रणाली देश की अर्थव्यवस्था का बैकबोन है, देश की अर्थव्यवस्था का बैकबोन है। जहां एक तरफ रेल परिवहन के द्वारा भारत के किसी भी क्षेत्र में, जहां रेल परिवहन के द्वारा भारत के किसी भी क्षेत्र में
आवागमन की सुविधा को उपलब्ध कराया गया, किसी भी क्षेत्र में आवागमन की सुविधा को उपलब्ध कराया गया, वहीं इसमें संबंधित कार्य करने वाले लोगों की संख्या, वहीं इसमें संबंधित लोगों की कार्य करने वाले लोगों की संख्या अन्य किसी भी संस्थान या विभाग से अधिक है। देखिए, रेल मंत्रालय में जो कर्मचारी हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में कार्य करते हैं, किसी संस्थान या विभाग में अधिक है। सार्वजनिक परिवहन का साधन होने के कारण रेल परिवहन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं जन समुदाय के द्वारा सरकार की संपत्ति माने जाने के कारण ना केवल रेलवे में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का दुरुपयोग किया जाता है। लोग तो सोचते हैं तो सरकार का है, हमारा क्या है भाई, हम तो एक बार सफर कर लिया, चेयर है मतलब जो गद्दा है उसको फाड़ दो, तकिया रखिए उसको ले चले जाओ, लोटा रखा हुआ है उसको झोले में डाल करके घर पर ले चले जाओ, फिर हम जाकर के खेतों में रेल के किनारे जाकर के उसका यूज करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, तो उसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ओके, आपको उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का दुरुपयोग किया जाता है, बल्कि उच्च गुणवत्ता को बनाए रखना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है आज भी जहां रेलवे प्लेटफॉर्म पर आधारभूत सुविधाओं का अभाव है, वहीं रेल डिब्बों में उपलब्ध संसाधनों का दुरुपयोग के साथ स्वच्छता को प्राथमिकता ना दिए जाने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहती हैं। आज भी एक ही पटरी पर यात्री ट्रेन के साथ मालवाहक ट्रेन चलाए जाने के कारण रेल परिवहन का अनुकूलतम उपयोग नहीं हो पा रहा है। ट्रेनों की संख्या में वृद्धि से ना केवल रेल पटरियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, वहीं कम दूरी तय करने में भी अधिक समय लग जाता है। पुरानी व्यवस्था पर ट्रैफिक संचालन
के होने के कारण रेल दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पुरानी व्यवस्था पर ट्रैफिक संचालन होने के कारण पुरानी व्यवस्था पर ट्रैफिक संचालन होने के कारण रेल दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रेनों की रफ्तार धीमी रखी जाती है। इसलिए सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इसलिए सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेलवे की वो सॉरी ट्रेनों की गति को कम रखा जाता है। आधारभूत संरचना के स्तर पर जहां रेल दबाव बढ़ता जा रहा है आधारभूत संरचना के स्तर पर जहां रेल दबाव बढ़ता जा रहा है वहीं अपेक्षाकृत सुधार नहीं किए जाने के कारण वहीं अपेक्षाकृत सुधार नहीं किए जाने के कारण गुणवत्ता में भी ह्रास हो रहा है। गुणवत्ता में भी ह्रास हो रहा है जिससे ट्रेनों की पटरियों से उतरने की बारंबारता में वृद्धि हो रही है जिससे ट्रेनों की पटरियों से उतरने की बारंबारता में वृद्धि हो रही है। वहीं संस्थागत स्तर पर मंत्रालय विभाग प्रशासनिक तकनीकी कर्मचारियों में समन्वय की समस्या उत्पन्न हो रही है। समन्वय की समस्या उत्पन्न हो रही है तो रेल परिवहन में समस्या और बढ़ जाती है तो रेल परिवहन में समस्या और बढ़ जाती है। यहाँ एक तरफ सार्वजनिक परिवहन का साधन होने के कारण जहाँ एक तरफ सार्वजनिक परिवहन का साधन होने के कारण रेल किराए में एक सीमा तक वृद्धि की जा सकती है। जहाँ एक तरफ सार्वजनिक परिवहन का साधन होने के कारण रेल किराए में एक सीमा तक वृद्धि की जा सकती है, वहीं दूसरी तरफ रेल विभाग में कार्य करने वालों वहीं दूसरी तरफ रेल विभाग में कार्य करने वालों को भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए निवेश करना पड़ता है। भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए निवेश करना पड़ता है। यहां तक कि समय समय पर अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए हड़ताल से अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। हड़ताल से अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है जिससे उनकी मांगों को पूरा किए जाने के कारण जिससे उनकी मांगों को पूरा किए जाने के कारण जिससे उनकी मांगों को पूरा किए जाने के कारण रेलवे में खर्च बढ़ जाता है। रेलवे में खर्च बढ़ जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंतःस्थलीय। ओके, अंतःस्थलीय के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग अपने बोर्ड के ऊपर चलते हैं। देखिए, अब हमने रेलवे के बारे में बात कर ली, क्या क्या समस्याएं हैं और इसका जो करंट आएगा वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं अंतःस्थलीय जलमार्ग। ओके, जिसको इनलैंड वाटरवे बोलते हैं। ओके, जिसको क्या बोलते हैं? इनलैंड वाटरवे बोलते हैं।
तो देखिए इसमें हम लोग बात करेंगे, देखिए अंतःस्थलीय जल मार्ग के विकास की संभावनाएं, के विकास की संभावनाएं, विकास में संभावनाएं, ओके हम संभावनाओं पे चर्चा करेंगे कि भारत में क्या अंतःस्थलीय जल मार्ग की संभावनाएं हैं या नहीं है, और हैं तो क्यों, ओके। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे इसके उपयोग में बाधाएं क्या क्या हैं, बाधाएं क्या क्या हैं, और फिर हम लोग देखेंगे नीतियों के बारे में, ओके। और फिर उसके बाद में हम लोग निष्कर्ष के ऊपर आएंगे, निष्कर्ष, ओके, निष्कर्ष प्लस हम लोग करंट अफेयर भी देखेंगे, मतलब करंट अफेयर आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, ओके। तो देखिए अगर हम संभावनाओं की बात करें, भारत में क्या अंतःस्थलीय जलमार्ग है, इसका विकास हो सकता है, तो अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, एक तो हमको बहते हुए जल की आवश्यकता होगी, तो भारत में बहता हुआ जल है, और हमें बहता हुआ जल किस किस तरह का चाहिए, हमको वर्ष भर चाहिए, ऐसे थोड़ी ना केवल 2 महीने पानी बहता है और 2 महीने के बाद क्या पड़ जाएगा, वो पानी नहीं बहेगा तो हम वहां पर कैसे अपनी बोट को चलाएंगे, यानी कि हमें किस प्रकार का पानी चाहिए जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में बहता रहता हो, हमें उस प्रकार की, तो इस प्रकार का आपको कहीं सिस्टम देखने को मिलेगा, तो इस प्रकार का सिस्टम आपको नदियों में देखने को मिलेगा जहां पर जल क्या है बहता रहता है, ओके। उस जल का उपयोग करते हुए हम अंतःस्थलीय जल मार्गों का विकास कर सकते हैं, और भारत में आपको बहुत सारी जो हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं और दक्षिण भारत की भी कुछ नदियां आपको देखने को मिलेंगी जो सदाबहारी नदियां हैं, जिनमें हम लोग परिवहन है जो अंतःस्थलीय जल मार्ग है उसका विकास करके जलीय मार्गों के माध्यम से हम परिवहन सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, के कार्गो शिप के माध्यम से पर्यटन कर सकते हैं, अब ना केवल फ्लैट जो फ्लाइट होती है, जो ट्रेन होती है उसमें बैठ करके हम लोग मजे ले सकते हैं, बल्कि अब लोग कार्गो शिप होती हैं, ओके, छोटे छोटे जो यार्ड्स होते हैं उनमें बैठ करके भी मजे ले सकते हैं, ओके। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब आपके लिए हल्दिया से अगर आपको इलाहाबाद जाना है या फिर और कहीं जाना है तो आप लोग बोट में जाकर के वेट करके जा सकते हैं, लेकिन अभी वो पूर्ण रूप से नहीं चला है, कुछ समय आपको वेट करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम संभावनाओं की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जो हमारा उत्तरी मैदान है यहाँ पर सदाबहानी नदियां जो है वो हमेशा बहती रहती है, सदाबहानी नदियों का प्रभाव है, नदियों में जल का बहाव है, इस बहाव में हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के परिवहन का विकास कर सकते हैं, वर्ष भर एक तो पानी है और दूसरा आपको देखने को मिलेगा ये नदियां भी काफी बड़ी बड़ी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि भारत में सिंचाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सिंचाई व्यवस्था को बढ़ाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी कैनाल यानी कि नहरों का निर्माण किया गया, उन नहरों को एक दूसरे से जोड़ने के कारण एक हमको एक जाल, एक सिस्टम प्राप्त होता है, उसका भी उपयोग हम कर सकते हैं, मतलब नहरों का विकास भी आपको देखने को मिलेगा भारत में किया गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही इस पर फोकस किया गया था, नहरों का विकास हुआ है, इन नहरों का हम उपयोग कर सकते हैं हम अंतःस्थलीय जल मार्ग के रूप में। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि भविष्य की अगर हम बात करें तो भविष्य में राष्ट्रीय जल ग्रिड है, उस पर विचार किया जा रहा है कि राष्ट्रीय जल ग्रिड बनाया जाए, जैसे कि आपको विद्युत ऊर्जा ग्रिड देखने को मिलेगा, उसी तरह से राष्ट्रीय जल ग्रिड की बात की जा रही है, मतलब जिस नदी में ज्यादा जल है वो जाकर के समुद्रों में गिर जाता है, उस जल का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की नदियों में कर सकते हैं जिनमें पानी कम है और जो एक समय विशेष के बाद में सूख जाती है, एक मौसम विशेष में आकर के फिर से वो दिखने लगती है, तो उनमें पानी भेज करके हम उन्हें सदाबहारी बना सकते हैं, उनके माध्यम से हम ऐसे क्षेत्रों को भी सिंचित कर सकते हैं जो जो आपको सूखा प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या बनाना होगा, एक तंत्र बनाना होगा, किसका तंत्र बनाना होगा, हमको नदियों का तंत्र बनाना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, नदियों का तंत्र बना करके हम सिंचाई व्यवस्था और अन्य सुविधाओं को भी ले सकते हैं, तो इसमें हम परिवहन क्यों नहीं कर सकते, तो हम परिवहन भी कर सकते हैं। तो अगर राष्ट्रीय जल ग्रिड है, अगर वो मतलब भविष्य में
पूर्ण होता है तो हम उसका उपयोग इसके लिए भी कर सकते हैं। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें उपयोगिता की, तो देखिए उपयोगिता है उसकी बात करेंगे और साथ में फिर हम बाधाओं की भी बात करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उपयोगिता की। ओके, आखिर अंतःस्थलीय जलमार्ग है, इसकी उपयोगिता उपयोगिता क्यों है, मतलब इसका महत्व क्यों है, इसका महत्व, या फिर हम उपयोगिता की बात करें तो देखिए अगर इसके हम महत्व की बात करें तो नंबर एक आपको देखने को मिलेगा, ये काफी सस्ता जल परिवहन है, सस्ता जल परिवहन है। इससे क्या होगी, लागत कम हो जाएगी और लागत कम होने के कारण आपको देखने को मिलेगा कि उद्योग है उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ावा मिलेगा। वहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो परिवहन है उसका त्रिमक प्रणाली यानी कि सिस्टम है, प्रणाली है वो डेवलप होगी। त्रिणक प्रणाली के रूप में इसको देखा जा सकता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि यह पर्यावरण की दृष्टि से काफी अनुकूल देखने को मिलेगा, पर्यावरण की क्षति इसमें काफी कम होती है वो आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको देखने को मिलेगा कि इस पर जो रेल है एवं जो सड़क परिवहन है इस पर हम दबाव को कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दबाव को कम कर सकते हैं, तो दुर्घटनाओं को भी, दबाव को अगर हम कम करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे दो चीजें आपको देखने को मिलेगा, दबाव कम होने से ट्रैफिक की समस्या कम होगी। किसकी समस्या कम होगी, ट्रैफिक की समस्या कम होगी। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि दुर्घटना है जो दुर्घटनाओं की बारंबारता है वो भी कहीं ना कहीं कम होगी अगर रेल और सड़क पर दबाव कम होता है। इसके अलावा हम इसका उपयोग किसमें कर सकते हैं, उद्योग में कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम बताए थे यहाँ पर लागत है वो कम होती है, तो इसीलिए अंतःस्थलीय जलमार्ग है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए हम उस दिशा में परिवहन कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताते हैं हम उत्तर भारत में नदियां हैं, कि जैसे कि ये मानते हैं क्या है, ये क्या है आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से आपको भारत देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ से हिमालय है और यहाँ से बहुत सारी इस तरह से नदियां निकलती हैं, और देखिए ये पूरा इस तरह से एक आपको सिस्टम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से सिस्टम देखने को मिलेगा। नदियां हैं वो किस दिशा से किस दिशा की ओर आती हैं, मतलब इधर से इधर की ओर आती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इन नदियों के माध्यम से हम यहाँ पर जो औद्योगिक केंद्र है, यहाँ पर जो औद्योगिक केंद्र है, इनका जो माल है वो हम या तो इधर पहुंचा सकते हैं या फिर हम इधर भी पहुंचा सकते हैं, यानी कि हम एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ावा दे सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब है हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निर्यात करें। जल का बहाव किधर है, समुद्रों की ओर है, यानी कि हम समुद्रों की ओर हम माल को आसानी से ले जा सकते हैं, यानी कि नदियां भी कहती हैं बेटा ज्यादा से ज्यादा निर्यात करो। अब जब आप इधर से इधर के लिए जाएंगे, निर्यात के लिए आपको देखने को मिलेगा, जब आप इधर से इधर के लिए माल को ले जाएंगे तो यहाँ पर ये जल की दिशा की ओर आप परिवहन कर रहे हैं, जल की दिशा की ओर आप जा रहे हैं। जल की दिशा की ओर जाने के कारण लागत है वो कम हो जाएगी। लागत कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि ईंधन की खपत कम होगी अगर हम जल की दिशा में परिवहन करेंगे। जल की दिशा में परिवहन करने के कारण लागत कम हो जाती है, यानी कि हमारा निर्यात है वो भी क्या होगा, सस्ता होगा। हमारा निर्यात है वो भी क्या होगा, सस्ता होगा। अगर हमारा निर्यात सस्ता होगा तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए लागत कम होगी तो हमारे जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस है वो क्या रहेंगे, कम रहेंगे। अगर प्राइस कम रहेंगे तो हमारा निर्यात है वो ज्यादा होगा, तो हमारे देश का निर्यात है वो एक्सपोर्ट है ज्यादा होगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। अब देखिए अगर हम इन सामानों को अगर अंदर की ओर लाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा परिवहन लागत है, अब जल की विपरीत दिशा में जाएंगे परिवहन लागत थोड़ी बढ़ेगी। तो हमारी नदियां भी कहती हैं बेटा कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको चीजों को मंगाना नहीं है, चाइनीज चीजों को नहीं मंगाना है, चाइना को हम बेचेंगे। क्योंकि किसको बेचेंगे, चाइना को हम बेचेंगे, दूसरे देशों को बेचेंगे। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम उत्पाद को अपने देश में उत्पादन करेंगे और उसको बेचेंगे, लेकिन उधर से नहीं मंगाएंगे। उधर से क्या मंगाएंगे, हम उधर से कच्चा माल मंगाएंगे। ओके, उधर से क्या मंगाएंगे, कच्चा माल मंगाएंगे, थोड़ा बहुत मंगाएंगे, आराम से हमारी नदियां हैं वो हमको ला करके दे देंगी। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं बाधाओं की। ओके, इसके उपयोग में हमने महत्व की बात कर ली, अब उपयोग में बाधाएं क्या हैं,
ओके, जो इनलैंड वाटर वे है इसमें बाधाएं क्या हैं, उन बाधाओं की भी हम लोग बात कर लेते हैं। ओके, हम बाधाओं की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बाधाओं की बात करें तो आपको बहुत सारी बाधाएं देखने को मिलेंगी। तो देखिए, नंबर एक आपको प्राकृतिक स्तर पर, जो प्राकृतिक, ओके पूरा ही लिख देते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज जाएंगे, प्राकृतिक प्राकृतिक स्तर पर आपको बाधाएं देखने को मिलेंगी। दूसरी, आपको आर्थिक एवं तकनीकी स्तर पर बाधाएं देखने को मिलेंगी। आर्थिक एवं तकनीकी स्तर पर, तकनीकी स्तर पर बाधाएं देखने को मिलेंगी। तीसरा, आपको संस्थागत संस्थागत स्तर पर आपको बाधाएं देखने को मिलेंगी। तो देखिए, अगर हम प्राकृतिक स्तर पर बाधाओं की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि मौसम में परिवर्तन के कारण, मौसम में परिवर्तन के कारण जल का बहाव है वो वर्ष भर, जल का बहाव है वो वर्ष भर समान नहीं रहता है। वर्ष भर समान ना रहने के कारण व्यापार करने में असुविधा हो सकती है, व्यापार करने में असुविधा हो सकती है। यह एक आपको प्राकृतिक समस्या देखने को मिलेगी, प्राकृतिक बाधा देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं में जो आपको बाढ़ देखने को मिलेगी प्लस आपको सूखा देखने को मिलेगा, सूखा देखने को मिलेगा, ये दो प्रमुख कारण है। बाढ़ के समय ज्यादा जल हो जाता है, ज्यादा जल होने के कारण भी परिवहन बाधित होता है, और सूखे के समय नदियों का जल है वो सूख जाता है या फिर जल स्तर नीचे चला जाता है, तो वहां पर शिपिंग करना मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर भी एक प्राकृतिक बाधा आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो नदी बेसिन है, हमारी जो हिमालय से निकलने वाली सदाबहानी नदियां हैं, तो नदी बेसिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सीडिमेंट है उनका डिपोजिशन करती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने साथ में अवशाद लेके आती है। अवशाद होता है वो, अवशाद का मतलब क्या है, मलबा, उस मलबा को अपने बेसिन में डंप कर देती है, जिससे उस वो क्या हो जाता है, थोड़ा उथला हो जाता है, अब सिप जाएगा तो क्या हो जाएगा, फंस जाएगा भाई। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि बंगाल की खाड़ी से जब पहला कार्गो शिप भेजा गया था, वो थोड़ी ही दूर पे जाने के बाद, मतलब 25 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ही फंस गया था। फंस क्यों गया था, जैसे कि मानते हैं ये नदी बेसिन है, नदी बेसिन के अंदर पानी बहता है, नदी बेसिन के अंदर इस तरह से पानी बहता है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन नदी क्या होती है, अपने साथ में बहुत ज्यादा मात्रा में सेडिमेंट लेकर के आती है, वो इस तरह से सेडिमेंट को क्या कर देती है, रास्ते में डिपोजिट कर देती है कहीं कहीं पर। अब देखिए, यहाँ पर जब सिप जाता है, क्या जाता है, इस तरह से सिप आपको देखने को मिलेगा जाता है, तो देखिए वो थोड़ा सा तो डूबेगा ना, मानते हैं ये क्या है, ये सिप है। ओके, अब ऐसी सिप हमको बनानी आती है, मानते हैं सिप है, यहाँ पर तो आराम से जा रही थी जा रही थी जा रही थी, लेकिन रास्ते में क्या है, यहाँ पर उथला पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो गया। अब ये क्या कर जाएगा, आगे जा करके स्टक कर जाएगा। अब देखिए, सोचे थे कि अब हम जाएंगे और जा करके हम मजे लेंगे, लेकिन वहां पर आपका जहाज फंस गया, बोले कि जोर लगा के हैया, अब रोड वोड उधर तो किसी से हेल्प भी मांग लेते, वहां कहाँ फंस गए रास्ते में, तो क्या है, यहाँ पर असुरक्षा की भावना भी आपको देखने को मिलेगी, समस्याएं तो बहुत आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, और इसको देखने का प्रयास करते हैं, इसको देखने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कलर कर लेते हैं। तो देखिए, यहां पर अवसाद की समस्या। ओके, असमान तल प्लस अवसाद है वो ज्यादा हमारी नदियों में देखने को मिलेंगे, एक समस्या है। वहीं देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर आर्थिक स्तर पर, तो आर्थिक स्तर पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए आगे लिख देते हैं, यहाँ पर जगह कम है तो आर्थिक एवं तकनीकी है वो आगे लिख देते हैं, यहाँ पर आर्थिक आर्थिक एवं तकनीकी स्तर पर, तकनीकी स्तर पर अगर हम बात करें तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आधारभूत स्तर पर बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। आधारभूत स्तर पर बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। देखिए, आधारभूत स्तर पर या फिर संरचनात्मक स्तर पर समस्याएं क्या हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा जो हमारे होबर हैं
वो आपको कम देखने को मिलेंगे। ओके, होबर की वो तकनीक है वो भी उतनी नहीं है और होबर की संख्या भी आपको कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको जल मार्ग है, ओके जल मार्ग है उसमें कोई ट्रैफिक संचालन से संबंधित कोई भी आधारभूत स्तर पर अभी कार्य नहीं हुआ है तो वो भी आपको एक समस्या देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक सुरक्षा की भावना है, आप नदी में जा रहे हैं, रात है, रात का वक्त है, कोई आपको लूट लिया या फिर आपके शिप पर, आपकी यार्ड पर हमला कर दिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे? क्योंकि हमारे पास में अभी जो हमारे पास में पुलिस है वो किस प्रकार की पुलिस है? हमारी पुलिस जो ट्रेंड है वो रोडों पर, खेतों पर, नाले गड्ढे के लिए अभी बनी हुई है। हमारी जो पुलिस है वो अभी बोट चलाने में माहिर नहीं है, वो बाइक चला सकती है, राजदूत चला सकती है, बुलेट चला सकती है, कार चला सकती है, लेकिन अभी क्या है उसे इस स्तर पर ट्रेंड नहीं किया, मजाक कर रहे हैं, लेकिन अभी इस स्तर पर ट्रेंड नहीं किया गया है। देखिए सुरक्षा की बात आती है तो हमारे पुलिस है आधे तो खुद ही तैरने नहीं जानते होंगे, तैरना क्यों नहीं जानते होंगे? क्योंकि उनका वजन है वो आपको देखने को मिलेगा 1 क्विंटल से है, 1 क्विंटल वजन देखने को मिलेगा तो वो बचाने जाएंगे, मानते हैं सिप डूबने लगी, अब वो बचाने जाएंगे तो उनको बचाने के लिए कोई दूसरा जाएगा, पनडुब्बी ला करके उनको पहले बचाना पड़ेगा, कहेगा भैया पहले पुलिस वाले भैया को बचा लो तब हम दूसरों को बचाएंगे, तो एक समस्या आपको देखने को मिलेगी ना। ओके, तो सुरक्षा है वो कई स्तरों पर आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि अगर सिप डूबने लगा या फिर वहां पर कोई खराबी आ गई, कई लूट मार हो गई, कुछ भी हो गया, तो अभी इस प्रकार का हमारे पास तंत्र है यानी कि जो सिस्टम है वो अभी हमारे पास नहीं है, डेवलप नहीं किया। जैसे हमारी स्थल पर जो पुलिस है उसी तरह से हमको जल की पुलिस एक अलग से बनानी पड़ेगी, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा हमारी पुरानी तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो पुरानी तकनीक है वो ऊर्जा दक्ष भी नहीं देखने को मिलेगी और लागत को भी कहीं ना कहीं बढ़ा देती है, और आपको देखने को मिलेगा कि इससे यात्रा का समय भी बढ़ जाता है, तो हमें तकनीकी स्तर पर भी बहुत सारे कार्य करने होंगे। इसी तरह से संस्थागत स्तर पर भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, मतलब इस प्रकार का सिस्टम है वो अभी डेवलप नहीं हुआ है, उस पर बहुत ज्यादा वर्क करना, इस प्रकार के नियम कानून नहीं आए हैं, जैसे कि आप हेलमेट नहीं लगाए हैं, आप तेज गाड़ी चला रहे हैं तो इसके लिए तो चालान की व्यवस्था है, लेकिन अगर वहां पर पानी के अंदर कोई मतलब नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए कोई नियम कानून है भी नहीं, इस प्रकार का नियम कानून नहीं है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, और इसके अलावा अगर हम बात करें नीतियों की, ओके अगर नीतियों की बात करें, ओके नीतियों की बात करें तो आपको बहुत सारी नीतियां देखने को मिलेगी, और साथ में आपको देखने को मिलेगा इससे आपको लिंक करना है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद। ओके, तो देखने वर्तमान में कौन कौन से न्यूज में चल रहे हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा अंतर राज्यीय जल विवाद आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको न्यूज में देखने को मिलेंगे, वैसे आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग हमारी विजन 365 करंट अफेयर अभी देख रहे हैं, सीरीज चल रही है यूट्यूब पर, वहां पर भी कवर कराया जा रहा है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नोट डाउन करिए, भारत जैसे देश में जहां सदाबहानी नदियों का अपव्यय होता है, वहां जल संसाधन के प्रबंधन के लिए नहर सिंचाई का विकास किया गया है, नदियों के साथ नहरों का उपयोग अंतःस्थलीय जल मार्ग के रूप में करके पारंपरिक परिवहन के रूप में सड़क एवं रेल परिवहन पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को कम किया जा सकता है। भारत के अंतःस्थलीय जल मार्ग की
उपयोग की पर्याप्त संभावनाएं हैं, अंतः स्थलीय जलमार्ग की उपयोग की पर्याप्त संभावनाएं हैं, यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय जल ग्रिड परियोजना के पूरा होने पर, यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय जल ग्रिड परियोजना के पूरा होने पर राष्ट्रीय स्तर पर नहरों का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर नहरों का उपयोग अंतः स्थलीय जल मार्ग के रूप में अंतः स्थलीय जल मार्ग के रूप में किया जा सकता है अतः सॉरी अंतः स्थलीय जल मार्ग पारंपरिक परिवहन के साधनों में एक पारंपरिक परिवहन के साधनों में एक सस्ता परिवहन का साधन है एक सस्ता परिवहन का साधन है क्योंकि इसके उपयोग के लिए सड़क मार्ग एवं इसके उपयोग के लिए सड़क एवं रेल मार्ग के अनुसार रेल रेल मार्ग के अनुसार आधारभूत संरचना के स्तर पर आधारभूत संरचना के स्तर पर आधारभूत संरचना के स्तर पर विकास की आवश्यकता नहीं पड़ती आधारभूत संरचना के स्तर पर विकास की आवश्यकता नहीं पड़ती बल्कि जल के बहाव या फिर प्रवाह की दिशा में बहाव या फिर प्रवाह की दिशा में जलयानों के उपयोग को करते समय जलयानों के उपयोग को करते समय ईंधन की बचत होने के कारण परिवहन लागत कम हो जाती है यह पर्यावरण की दृष्टि से भी एक बेहतर विकल्प है क्योंकि जल मार्ग प्रतिरूप में भू उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन नहीं करना पड़ता क्योंकि जल मार्ग प्रतिरूप में भू उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन नहीं करना पड़ता जिस कारण वन अपरोपण से संबंधित जिस कारण वन अपरोपण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न नहीं होती वन अपरोपण का मतलब है वन को हटाना वन को काटना ओके वन अपरोपण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न नहीं होती वहीं जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होने पर वहीं जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होने पर वायुमंडलीय से संबंधित प्रदूषण की समस्या प्रदूषण से संबंधित समस्या भी कम होती है अंतःस्थलीय जल मार्गों के द्वारा ना केवल बंदरगाह नगरों को अंतःस्थलीय जल मार्गों के द्वारा ना केवल बंदरगाह नगरों को सड़क एवं रेल मार्गों से जोड़ा जा सकता है
सड़क एवं रेल मार्गों से जोड़ा जा सकता है, बल्कि सड़क एवं रेलवे का बल्कि सड़क एवं रेलवे का अंतःस्थलीय जल मार्ग का परिवहन के तिर्यक प्रणाली के स्थलीय जल मार्ग का परिवहन के तिर्यक प्रणाली के रूप में किया किए जाने पर तिर्यक प्रणाली के रूप में किए जाने पर सड़क एवं रेल मार्ग पर सड़क एवं रेल मार्ग पर अत्यधिक दबाव की समस्या का भी समाधान होगा का भी समाधान होगा। अंतःस्थलीय जल मार्ग का विकास परिवहन के अंतःस्थलीय जल मार्ग का अंतःस्थलीय जल मार्ग का विकास परिवहन के तिर्यक प्रणाली के रूप में अंतःस्थलीय जल मार्ग का विकास परिवहन के तिर्यक प्रणाली के रूप में करके देश के आधारभूत संरचना में सुधार करने के साथ देश के आधारभूत संरचना में सुधार करने के साथ व्यापार एवं आवागमन के सस्ते व्यापार एवं आवागमन के सस्ते व्यापार एवं आवागमन के सस्ते परिवहन साधन को उपलब्ध कराया जा सकता है। वहीं इसके प्राकृतिक बाधाओं के साथ वहीं इसके प्राकृतिक बाधाओं के साथ आधारभूत समस्याओं के साथ संस्थागत जटिलताएं भी हैं। आधारभूत समस्याओं के साथ संस्थागत जटिलताएं भी हैं। उत्तर भारत में जहां सदाबहानी नदियों का प्रवाह होता है, वहां भी परिवर्तन के कारण वहां भी मौसम में परिवर्तन के कारण जल के प्रवाह की गति एक समान ना होने के कारण जल के प्रवाह की गति एक समान ना होने के कारण जल के प्रवाह की गति एक समान ना होने के कारण वर्ष भर जल मार्ग का उपयोग करना वर्ष भर जल मार्ग का उपयोग करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है। हमको हाई टेक्नोलॉजी चाहिए होगी जो इसके अवसाद को निकाल सके, मतलब बड़ी बड़ी हमको इस प्रकार की क्रेनें चाहिए होंगी, इस प्रकार के बड़े बड़े जो सिस्टम होते हैं जो अवसादों को निकाल के दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, तो हमें उन चीजों की आवश्यकता होगी, पंप की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से मौसम में प्रतिकूल प्रभाव होने के कारण बाढ़ एवं मौसमी सूखा की आवृत्ति एवं तीव्रता बाढ़ एवं मौसमी सूखा की आवृत्ति एवं तीव्रता में होने वाली वृद्धि के कारण में होने वाली तीव्रता तीव्रता में होने वाली वृद्धि के कारण जल मार्गों का उपयोग करना ना केवल कठिन हो गया है जल मार्गों का उपयोग करना ना केवल कठिन हो गया है बल्कि जोखिमपूर्ण भी हो गया है
नदी घाटी के आसमान तल के, नदी घाटी के आसमान तल के साथ अपसादीकरण के कारण, आसमान तल के साथ अपसादीकरण के कारण जल मार्गों में आवागमन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। बल्कि दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जहां एक तरफ अंतःस्थलीय जलमार्ग का सापेक्ष महत्व कम हो जाता है। अंतःस्थलीय जलमार्ग का सापेक्ष महत्व कम हो जाता है, वहीं भारत में अभी भी आधारभूत संरचना के स्तर पर बेहतर सुविधाओं का अभाव होने के कारण जल मार्गों के उपयोग को प्राथमिकता नहीं दी जाती यहां तक कि नेशनल जल मार्ग जो 1 और 2 आपको देखने को मिलेगा में नदीय बंदरगाह के अभाव के साथ आधारभूत सुविधाओं की कमी है। संचालन की बेहतर व्यवस्था ना होने के कारण एवं सुरक्षा को प्राथमिकता ना दिए जाने के कारण ट्रैफिक की समस्या के साथ दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए सड़क एवं रेल मार्ग की अपेक्षा अंतःस्थलीय जलमार्गों को विशेष प्राथमिकता नहीं दी जाती। आज भी पुरानी तकनीक पर आधारित जल यानों के उपयोग को किए जाने के कारण कम दूरी तय करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगने के कारण सस्ता परिवहन होने के बावजूद भी व्यापार को भी अंतःस्थलीय जलमार्गों की जगह सड़क एवं रेल मार्ग को प्राथमिकता दी जाती है। जहां प्राकृतिक के साथ आधारभूत
समस्याओं के कारण आज भी भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग का अनुकूलतम उपयोग अंतःस्थलीय जलमार्गों का अनुकूलतम उपयोग नहीं हो पा रहा है अनुकूलतम उपयोग नहीं हो पा रहा है वहीं संस्थागत स्तर पर कई वहीं संस्थागत स्तर पर कई मंत्रालय एवं विभाग से अनुमति लेने के बाद ही वहीं कई मंत्रालय एवं विभाग से अनुमति लेने के बाद ही अंतःस्थलीय जलमार्गों से संबंधित अंतःस्थलीय जलमार्गों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विकास की नीतियों का निर्धारण करना पड़ता है। विकास की नीतियों का निर्धारण करना पड़ता है वहीं नीतियों के निर्धारण तक विभिन्न संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित नहीं होने के कारण के मध्य समन्वय स्थापित नहीं होने के कारण परिवहन के तिर्मक प्रणाली के रूप में अंतःस्थलीय जलमार्ग का विकास नहीं हो पा रहा है का विकास नहीं हो पा रहा है। तिर्मक प्रणाली के रूप में अंतःस्थलीय जलमार्ग का विकास नहीं हो पा रहा है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बंदरगाहों के बारे में एक बार देख लेते हैं। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं बंदरगाहों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बंदरगाह की बात करें तो देखिए बंदरगाह में आपको थोड़ा होमवर्क दिया जाता है। आपको मैप पर मार्क करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं उनको आपको मार्क करना है। ओके, इसके अलावा हम अगर इसके सेवा क्षेत्र की बात करें, ओके, जिसको हिंटरलैंड के नाम से भी जानते हैं, सेवा क्षेत्र की बात करें, तो आपको देखने को मिलेगा इन बंदरगाहों का उपयोग किस पर्पस से किया जा रहा है। जैसे कि खनिज संसाधनों से संपन्न, या फिर आप देख सकते हैं कि जो कृषि प्रदेश हैं उनको ये सर्विस देता है, या फिर आपको देखने को मिलेगा जो बंदरगाह है वो किसी औद्योगिक जो उद्योग है या फिर औद्योगिक प्रदेश है उसको ये सर्विस देने के लिए प्रमुख आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो बंदरगाह है ये किसी ना किसी को तो सर्विस देता होगा। जैसे खनिज संसाधन है, जैसे कि कोयला हो गया, खनिज एक्स हो गए, उनका खनन करके एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता होगा, या इस बंदरगाह से संबंधित आपको देखने को मिलेगा कृषि प्रदेश होंगे, मतलब वहां से कृषि से उत्पादित जो रॉ मटेरियल होता है, उत्पाद होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता होगा, या फिर औद्योगिक क्षेत्र होगा जो उद्योगों में जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता होगा। ओके, तो ये आपको देखना है। इसके अलावा आपको अपना जो इकोनॉमी सर्वे को आपको देखना है किसी बंदरगाह से संबंधित ओके, कोई भी आयात निर्यात प्रतिरूप में कोई परिवर्तन किया गया है, आयात आयात या फिर निर्यात से संबंधित कुछ किया गया है। इसके अलावा जो बंदरगाह हैं ओके बंदरगाह हैं आपको देखना है किसी बंदरगाह को इनलैंड ओके इनलैंड एक्चुअली ये क्या हो गया, ये कट नहीं रहा है। ओके, ऐसे कर देते हैं। इनलैंड वाटरवे है
इसके साथ में लिंक किया गया है, इसके साथ में लिंक किया गया है, इसके लिए आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग, ओके, राज राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा गया है, से जोड़ा गया है। देखिए कोई बंदरगाह है उसे इनलैंड वाटरवे के माध्यम से लिंक किया गया है, या फिर आपको देखने को मिलेगा कि किसी रोड के माध्यम से, किसी रोड के माध्यम से, या फिर आपको देखने को मिलेगा रेल के माध्यम से, ओके, रेल के माध्यम से जोड़ा गया है, तो वो बंदरगाह होता है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोगों को उसको देखते हुए चलना है। ओके तो ये है, इस तरह से आप लोग बंदरगाह अपने प्रिपेयर कर लीजिए, और कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग आते हैं वायु परिवहन के ऊपर, किसके ऊपर, वायु परिवहन के ऊपर आते हैं। वायु परिवहन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे वायु परिवहन है, ओके, वायु परिवहन है, एक सेकेंड लाइन थोड़ा सा नीचे खींच गई है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। वायु परिवहन है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले हम देखेंगे इसकी उपयोगिता, कि वायु परिवहन है इस पर हमको क्यों फोकस करना चाहिए, उपयोगिता की बात करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे इसमें संभावनाएं क्या हैं, संभावनाएं क्या हैं, हम संभावनाओं पे बात करेंगे। अगर हम उपयोगिता की बात करें तो वायु परिवहन की जो उपयोगिता है उसमें एक सामरिक दृष्टिकोण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। अगर हमारी वायु परिवहन प्रणाली है वो सशक्त होगी तो हमारी देश की सुरक्षा भी सशक्त होगी, क्योंकि इसके माध्यम से हम इंस्टेंट यानी कि तत्काल हम कहीं भी हम राहत पहुंचा सकते हैं, तत्काल हम सेना को पहुंचा सकते हैं, वेपन्स को पहुंचा सकते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि हम सड़क एवं जो रेल, सड़क रेल एवं अंतः जलीय मार्ग हैं, इनके माध्यम से जिन स्थानों पर नहीं पहुंचा जा सकता, मतलब जैसे कि सड़क है, रेल है, अंतः जलीय मार्ग है, यानी कि दुर्गम क्षेत्र हैं, इनके माध्यम से पारंपरिक जो जो मार्ग हैं इनके माध्यम से जिन स्थानों पर नहीं जाया जा सकता, वहां वायु मार्ग के माध्यम से, वहां वायु मार्ग के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। जैसे कि कारगिल, कारगिल में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर सिर्फ हेलीकॉप्टर है वही जा सकता है, अन्य चीजें हैं जैसे कि सड़क हो गया, ट्रेन हो गया, ओके, जो इनलैंड वाटरवे है सिर्फ ले जाओगे कहां से, पहाड़ पे चढ़ा करके नहीं ले जा सकते ना, तो समस्या उत्पन्न होती हैं। तो दुर्गम क्षेत्र होते हैं जहां पर प्राकृतिक बाधाएं ज्यादा होती हैं, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है वायु परिवहन। ओके इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो आपदा के समय तत्काल राहत कार्य इससे किए जाते हैं, तत्काल राहत कार्य, जैसे कि आपने देखा होगा कि बाढ़ आ गई तो हेलीकॉप्टर से जाकर के रेस्क्यू किया जाता है, भूकंप आ गया, लैंडस्लाइड हो गया तो हेलीकॉप्टर से जाकर के रेस्क्यू किया जाता है, लोगों के लिए तत्काल जाकर के वहां पर भोजन वोजन होता है, वस्त्र वस्त्र होते हैं, चीजें होती हैं वो जाकर के फेंक दी जाती हैं जिससे वो बच जाते हैं। ओके ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा वनों में आग लग जाती है तो वहां पर आप ट्रक ले जाकर बुझाएंगे नहीं, वहां पर आपको देखने को मिलेगा बड़े बड़े हेलीकॉप्टर होते हैं, वो हेलीकॉप्टर वनों में आग बुझाने का कार्य करते हैं, पानी ले जाते हैं और ऊपर से जाकर के छोड़ देते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा जो आपदाएं होती हैं चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या फिर आपको मानव जनित कोई आपदा हो, दोनों में राहत कार्य है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है परिवहन। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवागमन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवागमन है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से हम अधिक से अधिक दूरी को कम समय में, कम टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब टाइम कम लगता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि इसकी उपयोगिता है इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि भारत में आपको देखने को मिलेगा पर्यटन उद्योग है वो बहुत ज्यादा विकसित हो रहा है, तो इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं अगर हम संभावनाओं की बात करें तो चलिए हम थोड़ी सी संभावनाओं पर बात कर लेते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी नोट करिएगा
और इस पर अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे तो आप लोग पूरा निबंध बना देंगे। ओके, अगर हम संभावनाओं की बात करें तो संभावनाओं में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जब से हम उदारीकरण और निजीकरण के दौर में, ओके ये रुक जाइए, यहां पर गलत हो गया, थोड़ा सा इसको कट कर देते हैं। उदारीकरण के दौर में हम लोग प्रवेश किए हैं, उदारीकरण के दौर में प्रवेश किए हैं एवं निजीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण के दौर में प्रवेश किए हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी ऐसी आर्थिक नीतियां हैं वो अपनाई गई हैं। बहुत सारी ऐसी आर्थिक नीतियां हैं जिनको अपनाई गई हैं, जिससे वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे क्या होता है, वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। तो जब इसको प्रोत्साहन मिलता है, तो जब वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिलता है, तो इसमें वायुयान है, वायु परिवहन है, इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि वैश्वीकरण के दौर में जो एलन मस्क है, बिल गेट्स है, वो भी भारत में आकर के व्यापार करना चाहेंगे, कंपनी स्थापित करना चाहेंगे, तो आएंगे कैसे, आएंगे मोटरसाइकिल से आएंगे क्या, साइकिल पे बैठ करके आएंगे, सत्तू बांध करके नहीं, किससे आएंगे, प्लेन से आएंगे भाई, परिवहन से आएंगे, वायुयान से आएंगे, अपने जो प्राइवेट उनके चार्टर्ड है उनसे आएंगे। अब आएंगे तो हमें इस प्रकार की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करानी पड़ेगी ना। तो जब हमने उदारीकरण निजीकरण के दौर में हमने प्रवेश किया, तो हमने बहुत सारी ऐसी आर्थिक नीतियों को अपनाया जिससे बाहरी जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, वो भारत की ओर आकर्षित होना प्रारंभ हुई। तो जिस कारण यहाँ पर आपको बहुत सारी संभावनाएं देखने को मिलेंगी वायु परिवहन से संबंधित। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा एक पर्यटन उद्योग है, पर्यटन उद्योग है जो वर्तमान में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो अगर हम इसको प्रोत्साहित करना चाहते हैं और भारत में आपको प्राकृतिक हो, ऐतिहासिक हो, सांस्कृतिक हो, सभी पर्यटन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा हेल्थ सेक्टर में भी पर्यटन बढ़ रहा है भारत में, क्योंकि भारत में हेल्थ फैसिलिटी है वो बहुत कम दामों पर हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो लोग ना केवल घूमने के पर्पज से आ रहे बल्कि हेल्थ चेकअप कराने, हेल्थ के पर्पज से, वेलनेस के पर्पज से भी आते हैं। अपने आप को देखिए, एक हेल्थ होता है और दूसरा वेलनेस होता है, तो वो आते हैं कहते हैं हमारे यहाँ बहुत प्रदूषण है, चलो हम थोड़ा जाते हैं भारत में हिमालय की वादियों में घूम के आते हैं, वहां पर बहुत स्वच्छ पर्यावरण है, हमारा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। तो वेलनेस के लिए भी आते हैं और हेल्थ को सही कराने के लिए हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, फैसिलिटी है, सस्ते सस्ते दामों में, जितने में हम हार्ट प्लांटेशन कर देते हैं उतने में तो और देशों में एक चीरा निकाल करके, और जो जैसे कि अपेंडिक्स का भी, जो अपेंडिक्स होता है उसका भी इलाज नहीं किया जाता, हमारे यहाँ अपेंडिक्स का इलाज है वो तो ऐसे ही नॉर्मल कर देते हैं, तो सरकारी डॉक्टर होते कहते हैं बैठो अभी आते हैं अपेंडिक्स का आपका ऑपरेशन करते हैं और दूसरे दिन छुट्टी कर देते हैं। आपको देखने को मिलेगा पर्यटन उद्योग है, इसको बढ़ावा देने के लिए मतलब इसमें संभावनाएं बहुत देखने को मिलेंगी कि वायुयान उद्योग है वो बहुत ज्यादा विकसित हो सकता है। वायुयान, बार बार वायुयान आ जा रहा है, वैसे वायुयान भी गलत नहीं है, वायु परिवहन है वो काफी ज्यादा डेवलप है, क्योंकि डेवलप होगा क्योंकि इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, ओके इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो निजीकरण के कारण आपको देखने को मिलेगा कि निजीकरण के कारण आपको देखने को मिलेगा कि छोटे शहर हैं, छोटे छोटे शहरों को छोटे शहरों को बड़े नगरों से जोड़ा जा रहा है, और यहाँ पर निजीकरण के कारण यहाँ पर कम से कम लागत में ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, तो इसकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब लोग छोटे शहरों से बड़े नगरों में जा करके वहां पर अपने ऑफिस को मैनेज कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर आराम से इस प्रकार की चीजें कर सकते हैं। साथ में जब से पीपीपी मॉडल है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। वो कहता है हम 100 रुपए में हम तुमको दिल्ली से लखनऊ पहुंचा देंगे, वो 100 रुपए नहीं, 1000 रुपए में दिल्ली से लखनऊ पहुंचा देंगे, तो वो कहता है कि हम 900 रुपए में आपको दिल्ली से लखनऊ पहुंचा देंगे। तो प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए इसकी आप लोग देखेंगे जो ट्रेनों में आप लोग एवन एसी में जाते हैं, और जो फ्लाइट का इकोनॉमिक वाला जो आपको सेक्शन देखने को मिलेगा वो सेम देखने को मिलेगा,
उसका टिकट है ज्यादा अंतर नहीं होता है, 100, 200, 500 रुपए का सिर्फ अंतर देखने को मिले। तो कोई क्या है यार, मैं ट्रेन में जाऊँ इससे अच्छा तो चलो फ्लाइट से ही चला जाता हूँ, टिकट तो बराबर ही है। इकोनॉमिक्स क्लास में चले जाएंगे, बिजनेस क्लास में नहीं, बिजनेस क्लास का थोड़ा महंगा देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसी तरह से देखिए, ये है संभावनाओं की बात कर ली। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा पाइपलाइन की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं भी है। समस्याएं जैसे कि अभी हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आप लोग जानते हैं, इस प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले अंतरराष्ट्रीय मानकों वाले हमारे पास में एयरपोर्ट नहीं है, सुरक्षा की आपको थोड़ी सी यहाँ पर लीकेज भी देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीजों को हमको बहुत अच्छे से बढ़ाना है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। अगर हम पाइपलाइन की बात करें तो पाइपलाइन में आपको खोजना है कि कौन सी पाइपलाइन है जिनका भी विकास किया जा रहा है, जो खनिज स्रोतों को जोड़ती है उत्पादन के केंद्रों से जोड़ती है, उनको आपको लोकेट करना है मैप पर। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पाइपलाइन है वो किसी शोधन केंद्र को यानी कि कौन कौन से ऐसे शोधन केंद्र है उनको जोड़ती है, या फिर शोधन केंद्र से बाजार तक पहुंचाती है, ये आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो ऐसी पाइपलाइन है जो वितरण का काम भी करती होंगी यानी कि वितरण के केंद्र हैं उन तक पहुंचाते होंगी। तो यानी कि ऐसी कौन कौन सी पाइपलाइन है उनको अभी विकसित किया जा रहा है वो आपको देखना है, कहां से कहां तक उसका कोई नाम है, रिसेंटली कोई न्यूज में आई है, तो वो चीज आपको देख लेनी है। और यहां पर ही आपका ये टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है। और जो लोग हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। चार अप्रैल से हमारा नया बैच है, अचीवर बैच है, वो लॉन्च हो रहा है। मतलब इसी की क्लासेस चल रही है अचीवर बैच की, लेकिन 4 अप्रैल से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एकदम जीरो से स्टार्ट हो रहा है। कौन सा? हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग जाकर के एडमिशन ले सकते हैं सिर्फ 99 रुपए प्रति मंथ में। ओके, या फिर वन टाइम पेमेंट करेंगे तो आपको 60% का हैवी डिस्काउंट दे दिया जाएगा। आरजी सर 9 कोड का उपयोग करेंगे तो। ओके, अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के। नीचे लिंक भी दे दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग देखेंगे तो वहां पर लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे उस कोर्स के ऊपर जिसे आप लोगों को बाई करना है। ओके, तो सिर्फ 99 रुपए प्रति मंथ में आप लोग तैयारी कर सकते हैं आईएएस की। और आप लोगों ने क्लास देखी, इस तरह से इंटीग्रेटेड स्टडी करते हुए आप लोगों को पढ़ाया जाता है, सारा सिलेबस है वो यहाँ पर आपको कवर कराया जाएगा। अचीवर बैच है, यहाँ पर 15 महीने में आपको फुल सिलेबस है, जो जीएस पेपर फर्स्ट, जो मेंस की हम अगर बात करें तो ऐसे जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, जीएस पेपर थर्ड, जीएस पेपर फोर्थ, ये आपका कवर कराया जाएगा। इसके अलावा पीटी है वो आपका कवर कराया जाएगा सी सेट को छोड़ करके। ओके, चलिए इस लेक्चर को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपना प्यार इसी तरह से दिखाते रहें। ओके।